हेलो सो बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 82 रुपीज का स्टॉक हो चुका है, 3% के आसपास की रैली यहां पर आई है। स्टॉक ने बहुत लोअर एंड से आज शुरुआत किया था, बट एक अच्छी रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली। लग रहा था बहुत सारे लोगों को कि स्टॉक आज भी हमारा डाउन ट्रेंड में जाएगा, और यही बड़ा रीजन है कि मॉर्निंग में हमारा पैनिक सेल आता हुआ दिखाई दिया था। बात करें बाजार की तो बाजार के हालात काफी ठीक ठाक है। इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के यहाँ से एक बाउंस बैक दिखा सकता है, चार्ट पैटर्न की कहानी क्या है, क्या यहाँ से खरीदारी करके पैसा बनाया जा सकता है, और आईसीआईसीआई का डायरेक्ट का जो टारगेट आया था वो कब तक अचीव होगा, और टारगेट नहीं पता है तो उसकी भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा एक बेहतरीन स्टॉक है। Q4 की वजह से स्टॉक में गिरावट आई और लोगों को लगा कि यार स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा, बट बड़े ब्रोकरेज हाउस जब यहाँ पर बाय कॉल देते हैं तो उसका असर श्योरली यहाँ पर देखने को मिलता है, और वही हुआ भी आईसीआईसीआई डायरेक्ट का जब एक बड़ा टारगेट सामने आया, और आज देखिए आप कितनी बेहतरीन रैली स्टॉक में आई। लोअर एंड से फ्राइडे को भी खरीदारी बहुत अच्छी हुई थी, स्टॉक ने अच्छा सस्टेन किया था, बट लाल निशान के बाद बंद हुआ था। रीजन मेन क्या, स्टॉक मार्केट में उस दिन थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, नोज डाइव लगाया बाजार ने, और उसी का असर जो था वो बैंक ऑफ बड़ौदा पर पड़ा था। आज की बात करें तो आज स्टॉक ने एक लोअर एंड से 77 रुपीज से 82-83 रुपीज तक का हाई लगाया है, जो कि एक बेहतरीन रैली आज दिखाती है। स्टॉक आगे भी इसी तरह की रैली लगाएगा या नहीं उसकी बात करेंगे, पर सबसे पहले बात करते हैं खबर की। खबर क्या है हमारे सामने, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का बड़ा टारगेट आया था 17 जून यानी थर्सडे को, इस थर्सडे को, ठीक है। फ्राइडे को गिरावट हुई, थर्सडे को गिरावट हुई, आप जानते ही हैं यहाँ पर, और उसके उसी बीच आईसीआईसीआई डायरेक्ट का एक टारगेट आता है 102 रुपए का बाय कॉल बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई हैं, और 3 मंथ में बैंक ऑफ बड़ौदा प्राइस का रीच डिफाइंड टारगेट, 3 महीने का ये टारगेट पीरियड रहेगा 102 रुपए का। इनको लगता है कि 3 महीने में 102 रुपए तक समवेयर अराउंड पहुंच जाएगा हमारा, तो शॉर्ट टर्म का टारगेट है, शॉर्ट टर्म में स्टॉक भागेगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है, और स्टॉक भी अच्छा है आपके सामने। आप जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कुछ कर सकता है, लोन बुक कितनी हेफ्टी है इनकी, इनका जो कासा रेशियो है बहुत बेहतरीन है। Q4 में हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली थी हमें, बट उसको आप इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते हैं कि पूरा का पूरा एनुअल रिपोर्ट को इग्नोर कर सके, ठीक है। Q4 में आप देखेंगे तो Q4 में रेवेन्यू श्योरली बढ़ा था, बट जो कॉस्ट था कॉस्ट काफी तेजी से बढ़ा, और यही एक बड़ा कारण है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट हुई। 2-3 रीजन थे कॉस्ट बढ़ने के, 2-3 रीजन थे जो इस तरह का हमारा नेगेटिव आया, 750 करोड़ का लॉस दिखाया था Q4 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने। रीजन क्या था, रीजन ये था कि यार बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी, आप जानते हैं कि बहुत सारे बैंक्स को मर्ज किया गया था, और मर्ज करने में जो मेन हेड बैंक होता है उसका बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बैलेंस शीट को एक करना, लोगों को एक करना, कौन कहाँ पर जाएगा कौन कहाँ नहीं जाएगा, वो सारी चीजें देखने में कॉस्ट काफी बढ़ गया। रेवेन्यू के तौर पर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक पहला कारण था कि बैंक मर्जर था उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ा, दूसरा कारण था कि इनका जो एनपीए था वो बहुत बढ़ गया था, और एनपीए को कम करना इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी भी थी। जैसे ही Q4 लॉन्च हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ा स्टेटमेंट जारी किया कि इनके पास 4 जो बड़े एनपीए थे, 4 या 6 एनपीए के आसपास थे, 600 करोड़ का इनके पास वो पूरा टोटल अमाउंट हुआ करता था, उसको ये लोग ई ऑप्शन पे डाल रहे हैं और कैश बेसिस पर उनको बेचा जाएगा, और वो डिसीजन आप देखिए उस डिसीजन के बाद स्टॉक ने फिर से पुश लिया था, स्टॉक ने दोबारा से अपना एक अच्छा मोमेंटम बनाया। अब यहाँ पर गिरावट है, गिरावट के पीछे का जो कारण था वो ये था कि लोगों को लगता है कि अगर किसी भी स्टॉक में बाइंग कर रखे तो लगातार खबरों में होना चाहिए और बाजार को सपोर्टिव होना चाहिए। बाजार ने सपोर्ट करना छोड़ दिया था पिछले दिनों, अगर आप देखेंगे तो पिछला पूरा हफ्ता हमारा गिरावट में ही बीता है। ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा को बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर के जो उतरे थे उन लोगों ने पैनिक सेलिंग को ज्वाइन किया और अपना माल डंप करना स्टार्ट किया, और यही एक बड़ा कारण रहा कि हमारे 3 दिन लगातार स्टॉक में बुरी तरह से गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल अगर बात करें 76 का अभी भी आपके सामने एक अच्छा सपोर्ट है, 3 महीने का टारगेट है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का 102 रुपए तक पहुंचेगा, 102 रुपए, 90 रुपीज, 95 रुपीज, 100 रुपीज, ये 3 बड़े टारगेट आपके सामने हैं। जिनको छोटा टारगेट चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो वो लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 3 महीने रुकना और 82 रुपीज का स्टॉक प्राइस है, 20 रुपए पर शेयर अगर आप कमाते हो ना तो बहुत बेहतरीन प्रॉफिट है। आप यकीन मानिए आपको 25% 27% के आसपास का 3 महीने में ग्रोथ मिलेगा आपके कैपिटल पे, तो वो बहुत ज्यादा होता है। खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में श्योरली रहेगी, चाहे उनका टारगेट हो चाहे ना हो, बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अगर आप खरीदारी करके चलते हो तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है इन नियर बाय फ्यूचर, ठीक है। 88 का आपके सामने पहला टारगेट होना चाहिए, ये टारगेट अचीव होगा उसके बाद स्टॉक हमारा 92-94 तक की रैली आराम से करेगा। बात आरएसआई की करें तो 54 का आरएसआई स्पेस काफी है। बात मैग्डी करते मैग्डी अभी भी बेरिश टू न्यूट्रल जोन में है, अभी पूरी तरह से बेरिश नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, बट हाँ बेरिश टू न्यूट्रल जोन में, हिस्टोग्राम अपर साइड नहीं है हमारे यानी नेगेटिव साइड है, यानी कि स्टॉक अभी भी थोड़ा सा न्यूट्रलिटी फेस कर सकता है। अगर स्टॉक हमारा इस रेंज में भी रहता है और आपको एक अच्छा मोमेंटम, तो ओवरऑल खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको रहेगी।
बात करें चार्ट पैटर्न की, चार्ट पैटर्न काफी ठीक ठाक है, हमारा ब्रेकआउट है, खबरें अच्छी हैं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसा बड़ा अगर ब्रुकलिन हाउस कुछ कह रहा है तो हमें मानना चाहिए। उनकी रिपोर्ट आप पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट की वेबसाइट पर जाकर के। बाकी बात करें खरीदारी की तो खरीदारी अभी भी है 10 जून के आसपास 26% के आसपास की खरीदारी थी, 26-27%, 18 जून के आसपास 18% की। तो प्रॉब्लम आप देख सकते हो साफ तौर पर कि स्टॉक हमारे गिरावट में क्यों आया था। 10 जून तक स्टॉक हमारा तेजी में था, ऊपर भाग रहा था, डिलीवरी कितनी थी 26%, उसके बाद डिलीवरी कहां पहुंच गई 18%, डिलीवरी में गिरावट आई है। और जब भी डिलीवरी में गिरावट आती है तो उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि बाइंग साइड कम हो जाती है, सेलिंग साइड ज्यादा हो जाती है, प्रेशर में स्टॉक हमारा डाउनवर्ड जाता है, फिर पैनिक सेलिंग आती है लोगों की तरफ से। जिन लोगों ने पैनिक सेलिंग नहीं की है उनका आज लॉस मोस्टली रिकवर हुआ है, जिनका नहीं हो पाया है उनका रिकवर हो जाएगा। बने रहिए बाजार में, बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा स्टॉक हो जहां पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है ये, और सेफ भी है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। बात बाजार की करें तो बाजार में एक अच्छी रिकवरी है, बाजार को लगा था जैसा हमने सैटरडे को भी इन्फॉर्म किया था, संडे को भी इन्फॉर्म किया था कि बाजार में मंडे को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बाजार अपने लोअर एंड पर अगर आर्ली चार्ट पर आप देखते तो आपको साफ तौर पर दिखाई दे जाता, ओवरऑल बाजार अच्छा मोमेंटम कर रहा है और बाजार से आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हालांकि नहीं रखनी चाहिए, बट स्टिल 15,550 के बीच में भी अगर हमारा बाजार रहता है तो वो एक अच्छा साइन होगा, एक अच्छा मोमेंटम होगा किसी भी दूसरे स्टॉक के लिए या बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ग्रो करने का। ग्रोथ होगी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में, चिंता नहीं करनी है, बाजार आपको सपोर्टिव मिलेगा, बाजार न्यूट्रल टू बुलिश जोन में रहने वाला है, घबराना नहीं है, बने रहना है बाजार में। बात करें एफआईआई डीआईआई की, दोनों ही तरफ से खरीदारी फ्राइडे को आई थी और आज ही मुझे लगता है कि एक अच्छी खरीदारी बाजार में देखने को मिली है, यही बड़ा कारण है कि रिकवरी बाजार में आई है। साफ तौर पर आप देखेंगे ना तो देखो बहुत सारी खबरें थी, अडानी ग्रुप का स्कैम वगैरह था पिछले हफ्ते में जिसने मार्केट को प्रेशर में डाला था, बट अब वहां पर क्लैरिफिकेशन आ गया है तो अच्छी खरीदारी रिटेल की तरफ से भी आएगी और एफआईआई डीआईआई की तरफ से भी आएगी। तो बने रहिए बाजार में, बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको रहेगी, बाय कीजिए। 3 महीने का टारगेट रख रहे हैं, 1 महीने का टारगेट है, आपके पास समय है, तब भी खरीदारी कीजिए, आपको स्टॉक निराश नहीं करेगा, 1 महीने में भी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा। 76 का सपोर्ट लेकर के चलना है, स्टॉप लॉस आप 76 का लगा सकते हैं आप आने तो, बाकी ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, 3 महीने रुकेंगे 110-120 रुपए पर शेयर, अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर कमाने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रेटजी बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना, वीडियो नहीं खत्म करते, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो। Go back.